हेलो आर्या फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वीलॉग हैशटैग 2। आज हम वीलॉग में इंटरव्यू लेने वाले हैं, वो भी बहुत ही स्पेशल पर्सन का। वो स्पेशल पर्सन मेरी कजन का BFF है। सो फैमिली, आप सोच रहे होंगे कि हम उनका इंटरव्यू क्यों लेने जा रहे हैं। हम उनका इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सैडली वो थोड़े दिनों पहले कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, पर उन्होंने कोरोना से फाइट करके अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है। हम उनका इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं ताकि और हमको ये पता लग पाए कि ऐसी सिचुएशंस में कैसे डील करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, हर चीजों को कैसे मैनेज करना है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। हम साथ ही में उनसे ये भी पूछेंगे कि गवर्नमेंट ने उनको कितना सपोर्ट करा, क्योंकि वो दिल्ली में रहती हैं, तो उनसे गवर्नमेंट के बारे में भी पूछेंगे कि उनको कितना सपोर्ट मिला गवर्नमेंट या डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स से। उनसे हम ये भी पूछेंगे कि क्या क्या उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी और बाकी सारी जरूरी डिटेल्स हम उनसे पूछने वाले हैं। सो विदाउट अ फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। आपको बताया था वो हमारी कजन यही है। हाय हाय, हेलो हेलो, कैसे हो? हम तो बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? हम ठीक है। तो ट्रीट तो दो कोरोना नेगेटिव आने की। अच्छा, पॉजिटिव होने की भी ले लेता ले सकता है, इसको कुछ भरोसा नहीं है। तभी बोला ना मैंने। तो अब आपको कैसा फील हो रहा है? हमें ठीक हो रहा है, अब बेटर पहले से। पहले अब मतलब वीकनेस है बॉडी में बहुत ज्यादा अभी, बट वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी। तो आपको पता है आज हम आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं। इंटरव्यू इस चीज का? हम आर्या फैमिली को बताना चाहते हैं कि आप कोरोना पॉजिटिव थे ना, तो हम आर्या फैमिली को सारे प्रिकॉशंस और उसके बारे में कि ऐसे सिचुएशन में कैसे डील करना है उन सब के बारे में बताना है, इसलिए आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। हाँ, अच्छा हाँ, तो तुम ऐसे डेब्यू करना चाहते हो मेरा अपने चैनल पे? हाँ, अच्छा, नहीं मुझे ऐसे नहीं करना था, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो हो गया। तो आपको क्या क्या सिम्टम्स लगे थे एंड एग्जैक्टली आपको कैसे पता लगा कि आपको कोरोना हो गया है? हमारे घर में पहले विशु को हुआ था, मतलब मेरे भाई को हुआ था पहले कोरोना, कि उसको फीवर बहुत तेज चढ़ा था और लेग्स वगैरह में बहुत पेन था उसके। तो हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने नॉर्मल दवाइयां दे दी थी उसको बुखार वगैरह उतारने के लिए, लेकिन उसके बाद लेकिन फिर भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई थी, उसको बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही थी और उसकी टेस्ट बड्स चले गए थे, तो उसको खाने में टेस्ट नहीं आ रहा था। तो तब हमें थोड़ा डाउट हुआ कि कोरोना हो सकता है इस, फिर हमने कोरोना टेस्ट कराया पापा का भी, क्योंकि पापा को भी वीकनेस ही आ रही थी, तो पापा का और विशु का कोरोना टेस्ट कराया तो उन दोनों का पॉजिटिव आया था। तो उसके दो दिन बाद फिर मुझे भी फीवर हो गया था, तो तब फिर मैंने अपना कोरोना टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव था। तो जब आप वहाँ पे गए थे तो डॉक्टर्स ने आपको कैसे कैसे टेस्ट कराता हुआ? हम गवर्नमेंट की तरफ से कैंप्स लगे हुए हैं, तो हम उस कैंप में गए थे अपना कोरोना टेस्ट कराने। तो हम वहाँ पर स्वैब टेस्टिंग हुई थी जो कि रैपिड टेस्ट होता है, उन्होंने एक ईयरबड टाइप्स की एक स्ट्रिंग सी थी वो उन्होंने हमारे नोज में इंसर्ट करके और उसको फिर लिक्विड में डाला था और उस लिक्विड को एक टेस्ट ट्यूब में डाला था। तो वो था उनका टेस्टिंग मेथड कि वो कैसे पता करेंगे कि कोरोना है या नहीं है, तुम्हारी बॉडी टेस्ट हुई थी। मजा आया था टेस्ट करवाने में? नहीं, दर्द हुआ था टेस्ट ट्यूब में, मतलब मैंने देखा था अपने सामने ही, तो उस टेस्ट ट्यूब में जिनका फुल रेड हो रहा था वो लिक्विड डालने के बाद, तो उनका पॉजिटिव आ रहा था और जिनका हाफ रेड आ रहा था उनका नेगेटिव था रिपोर्ट, जो मैंने नोटिस किया था। यार इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे तो, पागल है तो फिर हमें विद इन 15 मिनट्स हमारी रिपोर्ट भी मिल गई थी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो वो सही था, हमें ज्यादा देर वेट नहीं किया करना पड़ा। अच्छा, तो जब आपने सुना कि आप कोरोना पॉजिटिव हो तो आपका क्या रिएक्शन था? मतलब इट वाज अ बिग डील अंटिल आपको हो गया था, हमारे लिए भी, बट अब आपको हो गया तो हमें लग रहा है कि इट्स नॉर्मल फिर। क्योंकि मेरे से पहले पापा और विशु को हो गया था, तो मैं उस दिन बहुत रोई थी, मतलब मैं बहुत ज्यादा हाइपर सी हो गई थी, बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा था कि कोरोना एकदम से, एक तो इतना ज्यादा क्या बोलते हैं डरावना सा बना दिया है मीडिया ने, न्यूज ने, तो और ज्यादा वो चीज फील हो रही थी, तो मैं उस दिन बहुत रोई थी। उसके बाद जब मुझे हुआ तो मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ कि अब तो हो ही गया, तो मैं नॉर्मल थी ये बंदी हमेशा चिल है।
हाँ अपना एटीट्यूड हमने हाँ पॉजिटिव रखा, क्योंकि अगर हम उस टाइम पे अगर हम थोड़ा एकदम से नेगेटिव हो हाँ जाते तो हम उसे टैकल नहीं कर पाते। मेन चीज कोरोना में मेंटल का मेरे को लगता है बहुत ज्यादा रोल है। अगर तुम मेंटली अपने आप को स्ट्रांग नहीं फील कर पाओगे तो फिजिकली तुम नहीं कर पाओगे उसको रिकवर, इसलिए। गुड जॉब। तो हम आर्या फैमिली को बता दे कि मितुषी इनकी सिस्टर का नाम है और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, और जो इनके ब्रदर है विशु और इनके मम्मी पापा, इन चारों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जब आपको पता लगा कि आप सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव है और मितुषी की नेगेटिव है, तो मतलब आपने उसको आइसोलेट कैसे किया हमने था? उसको अलग रूम में रखा और उसको कहा कि हम लोगों से थोड़ा दूर रहे, टच वच ना हो, और खाने का भी उसने थोड़ा बहुत खुद मैनेज किया, और आर्यवे की रेसिपीज देख देख के उसने थोड़ा बहुत बनाने की ट्राई करी और अपना थोड़े दिन का काम चला लिया खाने का, तो ऐसे वो अलग से हम लोग हो गए। आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जब आपको पता लग गया कि आप कोरोना पॉजिटिव हो, तो फिर कैसे कैसे प्रिकॉशंस लिए आपने? तो फिर उसके बाद हम लोग अलग, मतलब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके बैठे, विशोर में एक रूम में, मम्मी पापा एक रूम में, और हमने मास्क सर पे लगा के रखे, ग्लव्स वगैरह पहन के सारे काम किए, और ज्यादा जगहों पे टच नहीं किया। टाइम टू टाइम अपने घर को सैनिटाइज किया सैनिटाइजर से, और अपनी मेड को भी मना कर दिया आने के लिए कि वो ना आए, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी और को भी हो जाए। तो इस तरह से हमने प्रिकॉशंस लिए डिफरेंट डिफरेंट, जिससे ये चीज और ना फैले। तो गवर्नमेंट ने आपको कैसे मतलब सपोर्ट किया? हाँ, जब हम अपना कोरोना टेस्ट करा के आए तो उसके बाद हमारे घर पे नर्सेस की टीम भी आई थी, होम आइसोलेशन की गाइडें। तो उसके बाद फिर वो हमारे घर पे नीचे पोस्टर भी लगा के गए थे होम आइसोलेशन का, मेडिसिन देके गए थे हम लोगों को, फीवर की, कफ की, और मल्टी विटामिन टैबलेट्स, विटामिन सी टैबलेट्स, और ऑक्सीमीटर भी देके गए थे जिससे हम अपना ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट चेक कर सके टाइम टू टाइम, और उन लोग को अपनी रिपोर्ट्स दे सके कि हम किस टाइम पे हमारे क्या ऑक्सीजन लेवल चल रहा है। तो इस तरह से, और गवर्नमेंट से डेली हमारे पास कॉल्स भी आते थे कि हमारी तबीयत कैसी है, ठीक है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ चाहिए हो, तो उस तरह से तो गवर्नमेंट से सपोर्ट। सो यू आर ओवरऑल हैप्पी विद द गवर्नमेंट्स जॉब? पार्शियली यस। ओके, तो आप क्या क्या चाहती हो, क्या अगर आप घर आके हाथ में नॉट अ बैड ऑप्शन, ये हो सकता तो काफी अच्छा होता, मसाज मिलती घर पे आके, है ना। इनिशियल डेज में और जैसे आप रिकवर होते गए धीरे धीरे, तो आपको क्या क्या डिफरेंस फील होता रहा? इनिशियली फीवर तेज था और वीकनेस बहुत ज्यादा थी बॉडी में, पैरासिटामोल वगैरह दवाइयां लेकर हमने फीवर तो हमारा ठीक हो गया था उसके बाद, लेकिन बॉडी एक बहुत ज्यादा था, वीकनेस बहुत ज्यादा थी, कुछ भी काम करने में जरा सा तो वीकनेस बहुत ज्यादा फील हो रही थी। बट धीरे धीरे जैसे हमने अपने टैबलेट्स वगैरह ली, विटामिन वगैरह की, और होम रेमेडीज ली टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी, तो उससे थोड़ा बेटर फील हुआ उसके बाद। आपके ऑफिस वाले सपोर्टिव थे इस चीज के लिए कि उन्होंने मतलब हॉलीडेज वगैरह के लिए? हाँ, जब मैंने अपने मैनेजर को कॉल करके बताया कि आई हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव ऑफ COVID-19, तो उन्होंने सपोर्ट किया और बोला कि मैं अपना ध्यान रखूँ ऑफिस वगैरह के लिए, अभी मतलब टेंशन ना लूँ हॉलीडेज वगैरह का। कोविड के लिए उन्होंने अलग से लीव्स बनाई है इस बार कि जिन लोगों को कोरोना वायरस होगा उनकी अपनी सिक लीव्स में से नहीं या प्लान लीव्स में से नहीं कटूंगी, वो कोविड लीव्स उनको अलग से मिलेंगी। Nice. अच्छा इनिशिएटिव लिया है आपके ऑफिस वालों ने भी। तो आपको खाने में क्या क्या अजीब चीजें खानी पड़ी, जैसे होम रेमेडीज वगैरह थी तो वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक टाइप फील हुई होगी? नहीं, खाने में सच कोई रुकावट की ये नहीं खा सकते या वो नहीं खा सकते, बट हमने ज्यादा चटपटी चीजें नहीं खाई, तली भुनी चीजें इसमें मना करते हैं कि नहीं खानी चाहिए कोरोना अगर किसी को हो, तो हम फ्राइड चीजें नहीं खा पाए ज्यादा, और लेकिन हमने घर में वैसे नॉर्मल दाल रोटी खाई और काढ़ा पिया, काढ़ा इतना बुरा नहीं था, पतंजलि का ठीक था वो, और हमने स्टीम ली थी, स्टीम दिन में 3 से 4 बार लेनी होती थी, और गरम पानी पीना होता था, जितनी बार भी पियेंगे गरम पानी पियेंगे, और हमने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बादाम खाए और मुरब्बा खाया, इस तरह से अपने इम्यूनिटी बढ़ाई, फ्रूट्स खाए, नारियल पानी वगैरह ये सब चलता था, तो काढ़े के साथ वो सब मैनेज हो जाता था बैलेंस। तो मतलब कुछ ऐसा सफर नहीं करना पड़ा खाने पीने के मामले में?
खाने का ऐसा कोई टॉक्सिक ज्यादा चीजें थी नहीं। अच्छा, जब आप COVID-19 पॉजिटिव हो गए थे तो आपके साथ सबने मतलब कैसा बिहेव किया, मतलब आपने पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करा अपने आसपास? नेबर्स का और रिलेटिव्स का बहुत सपोर्ट अच्छा था। नेबर्स ने भी हमें बोला कि कुछ चाहिए हो, कुछ सामान लाना हो बाजार से तो वो लाके दे सकते हैं हमें, एंड दे हेल्प अस टू। और रिलेटिव्स तो सब दूर दूर ही रहते हैं तो सबने वीडियो कॉल पे हमें थोड़ा माइंड फ्रेश करने में हेल्प करी, एंटरटेन किया जैसे तुम लोगों ने, तो वो काफी अच्छा था। हम लोग का माइंड डाइवर्ट किया कि हम लोग बीमार हैं, उस चीज को मेंटली हमारे उस पे नहीं आने दिया, तो उसके लिए थैंक यू। तो आपका आर्य फैमिली के लिए क्या मैसेज है कि वो कोविड को किस तरह से फाइट कर सकते हैं, कोविड में क्या क्या उन्हें प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? सबसे पहले तो मैं कहूंगी थोड़ा कॉशियस रहे, लोग बाहर घूम रहे हैं ठीक है, काम पे जाना जरूरी है, इम्पोर्टेंट काम जरूरी है, सब कुछ ठीक है, बट सेफ रहे, ज्यादा कहीं पे टच वगैरह ना हो, और अपने प्रिकॉशंस लेते रहे, सैनिटाइजर्स यूज करें टाइम टू टाइम, मास्क लगा के जाएं, ग्लव्स वगैरह पहन के जाएं, अपनी सेफ्टी अपने हाथ है, प्लीज बी सेफ एंड थोड़ा कॉशियस रहे। और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है, अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को कोविड हो जाता है, तो सबसे पहले अपना पॉजिटिव माइंड रखे, नेगेटिव बिल्कुल ना हो, ठीक हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा मतलब जिसको हो जाएगा वो बचेगा नहीं, ऐसा कुछ। मैं सर्वाइवर हूँ कोविड की तो मैं बता सकती हूँ, एग्जाम्पल हूँ। हाँ, तो एज सच ठीक है, बहुत ज्यादा वीकनेस वगैरह लगती है, लेकिन हम उसको रिकवर कर सकते हैं और इजिली रिकवर कर सकते हैं अगर अपने खाने पीने पे ध्यान दें और अच्छा खाएं, इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली चीजें खाएं। तो सो थैंक यू दीदी फॉर इन्फॉर्मिंग आवर व्यूअर्स कि हमें कोविड में कैसे सारी चीजों को हैंडल करना है, एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर डेब्यू ऑन आवर चैनल इस हालत में। मुझे डेब्यू चैलेंज करके करना था, ऐसे नहीं करना था, बट कोई बात नहीं, चैलेंज भी करेंगे जब तुम दिल्ली आओगे। या ऑफ कोर्स, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्लीज आर्या फैमिली, ये दोनों बहुत मेहनत करते हैं एंड दे आर सुपर्ब, आई लव देयर वीडियो, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन देयर वीडियोस प्लीज। ओके, चलो फिर हम आपसे बाद में बात करते हैं, बाय। ओके बाय, थैंक यू, बाय बाय आर्या।